एक विद्यार्थी ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में निवेदन किया है कि सर आप संविधान के प्रस्तावना के बारे में एक वीडियो बनाएं, क्योंकि IAS PSC या अन्य एग्जामिनेशन में प्रस्तावना के बारे में जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं, संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो संविधान के प्रस्तावना को जरूर पढ़ना चाहिए या प्रस्तावना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात यह है, अमेरिका की भांति भारत का संविधान लिखित संविधान है और यह विश्व का बृहत संविधान के रूप में जाना जाता है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा या ढांचा को निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत देश के जनता शासित होते हैं। अरस्तु ने भी उनके पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा हुआ है, 6 से 8 अध्याय में संविधान के अर्थ बताया गया है कि किस तरह से संविधान को महत्व दिया गया है। संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारित से है और वह पद राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे कि भारत के संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के नागरिक के बारे में प्रावधानित है, जिसका अर्थ है कि संविधान का स्रोत जनता है। हम भारत के लोग ही संविधान के मुख्य स्रोत है। के मुंशी ने संविधान के प्रस्तावना के बारे में कहा है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री प्रस्तावना ही है। ठाकुर दास भार्गव जो संविधान निर्माता थे ने संविधान को संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को। नानी पालखीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। अब सबसे जो विवादित विषय रहा है भारत के संविधान के प्रस्तावना में वो है तीन बातें, तीन प्रश्न उठते हैं जो संसद के सदस्य, न्यायालय से जुड़े हुए न्यायाधीश, अधिवक्ता या समाज के एक सभ्य व्यक्ति तीनों प्रश्न के विचार मंथन करते हैं। उस पर एक किस स्वरूप में भारत के संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं, ये तीनों प्रश्न से वह स्पष्ट हो जाता है। पहला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से लिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि क्या प्रस्तावना एक उधार लिया हुआ सुविधा है? दूसरा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तीसरा, प्रस्तावना की प्रासंगिकता क्या है? ये तीन प्रश्न पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रस्तावना एक उधार लिया हुआ सुविधा है, तो इस विषय में मैं यहाँ पर तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत में पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था जिसमें प्रस्तावना रखा गया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना को अंगीकृत नहीं किया गया था। तीसरी बात यह है कि हमें जानकारी नहीं था, इसलिए
अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिया हुआ है। अब न्यायालय के सामने में प्रश्न उठा था यही विषय कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने में इंद्री बेरबरी वर्सेस भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, चाहे प्रस्तावना में चाहे संविधान में प्रस्तावना रहे या न रहे, संविधान को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्री बेरबरी वर्सेस भारत संघ के केस को उलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। आपने ये भी जानते होंगे कि 26 जनवरी 1949 के संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी का प्रावधान नहीं दिया गया था, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में तीनों को जोड़ा गया, जिसका ये केशवानंद भारती के केस के बाद में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुआ। एएसआर मुंबई के केस में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानकारी होना चाहिए, एएसआर मुंबई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रस्तावना को बेसिक स्ट्रक्चर माना, अर्थात भारत के संविधान के प्रस्तावना को न तो न्यून किया जा सकता है, न ही छीना जा सकता है और न ही निरसित किया जा सकता है, बल्कि भारत के संविधान के प्रस्तावना के भाव को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात संशोधित किया जा सकता है। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रस्तावना संविधान के विचारों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है और सरकारों के संकीर्ण उद्देश्यों को ये प्रतिस्थापित नहीं करता। संवैधानिक विधि के अंतर्गत जो है, ये सभी बातें जो ढांचे के रूप में प्रतिस्थापित है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, हम यहाँ पर जो और भी बातें जो बताया गया है उसके समाजवाद के बारे में बताया गया है, तो ये सारे ढांचों को जो है प्रस्तावना में प्रतिपादित किए गए हैं। प्रस्तावना न तो कोई शक्ति का स्रोत है और न ही सीमाओं का स्रोत है। तीसरी बात ये है कि यह न तो शक्ति प्रदान करता है और न ही कोई कर्तव्य अधिरोपित करता है। प्रस्तावना की संविधियों के निर्वचन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, साथ ही संविधान के प्रावधानों की व्याख्या भी भारत के संविधान के प्रस्तावना के तहत की जाती है। जबकि किसी विधियों की व्याख्या हो तो प्रस्तावना के भावनाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनी नहीं है और न ही न्यायालय सरकार को मानने के लिए बाध्य कर सकती है। इसके बावजूद भी भारत के संविधान के प्रस्तावनाओं का औचित्य और प्रासंगिकता आज भी स्थिर रूप से बनी हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि संविधान के बारे में कुछ जानकारी आपको पता करनी है तो आपको प्रस्तावना में ही जाना पड़ेगा। जैसे भारत का संविधान कब बना, यदि इस बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है या पता लगाना है तो संविधान के किसी भी अनुच्छेदों में नहीं दिया गया है, बल्कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में ये दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अंगीकृत हुआ, इस बारे में जानकारी हमें प्रस्तावना से ही प्राप्त होती है। जैसे आपको जानकारी प्राप्त करना है कि संविधान का स्रोत क्या है तो आपको संविधान के प्रस्तावना में ही आपको जाना पड़ेगा,
वहां से ही ज्ञात कर सकते हैं कि भारत के संविधान का स्रोत जनता है। यदि संविधान के उद्देश्य के बारे में पता करना है, जैसे भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है या भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या आपको ये जानकारी प्राप्त करना है भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में है या पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में है, भारत का संविधान समाजवाद को प्राथमिकता देती है, या तीन तरह के जस्टिस के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि आप जानते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जानकारी दी गई है, धर्म उपासना के बारे में जानकारी दी गई है, एकता और अखंडता संप्रभुता के बारे में जानकारी दी गई है। समस्त जानकारी के लिए प्रस्तावना को पढ़ा जाना नितांत आवश्यक है, इसलिए हम यहाँ पर संविधान के प्रस्तावना को प्रस्तुत किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट है या जो आपके मित्र मंडली है और जो भी सोशल मीडिया में आपका आईडी बना हुआ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि संविधान के बारे में उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो और देश में एकता अखंडता बंधुता की भावना बनी रहे और हम जो है एक सुखमय जीवन जिए, समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित हो। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि अगला वीडियो आपके लिए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम विदाई दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।